खबर मिर्जापुर से है, जहां पर डिस्ट्रिक्ट के 96 ब्लॉक में एमटीएस पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने एनुअल फंक्शन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। तो वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पंडित आनंद मोहन मिश्रा ने बच्चों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि आप लोगों को जीवन में आगे अगर बढ़ना है तो सबसे पहला चीज है कि अपने गुरु का आदर करें और माँ बाप के आदेशों का पालन करें। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं आनंद मोहन मिश्रा आज अपने शिष्य के ही स्कूल में जो प्यार पाया हूँ, मैं दिल से आशीर्वाद देता हूँ कि आज तक मेरी जितनी मेहनत थी वह समस्त एमटीएस के बच्चों को फलीभूत हो। तो वहीं पर स्कूल की डायरेक्टर मैनेजर डॉक्टर निशा द्विवेदी ने भाव विभोर होकर पंडित आनंद मोहन मिश्रा जी को अंग वस्त्र देकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। निशा द्विवेदी जी ने गर्व से कहा कि आज मैं स्वर्गीय डॉक्टर द्वारिकानाथ द्विवेदी जी के गुरु का सम्मान करते हुए समस्त क्षेत्रवासियों का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, जो उन्होंने हमारे विद्यालय परिवार को अपना कीमती वक्त निकाल कर समय दिया और साथ ही समस्त छात्रों को भी बधाई दी। क्षेत्र के सम्मानित एडवोकेट वीरेंद्र तिवारी, राधा कृष्णा बजाज एजेंसी के मालिक रमेश सिंह उर्फ सिंपू पूर्व और पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश नाथ तिवारी, एडवोकेट शिव प्रताप दुबे, इंडियन बैंक के ब्रांच मैनेजर नमन जी, भारतीय जनता पार्टी मंडल सुजीत मोदनवाल, डॉक्टर अरुण सिंह, सुभाष चंद्र ओझा, स्कूल के प्रधानाचार्य डीएन पाठक, उप प्रधानाचार्य सौरभ पांडे आदि कई लोग इस अवसर पर मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं इस समय मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट के 96 ब्लॉक में माँ त्रिपुर सुंदरी पब्लिक स्कूल में आया हूँ। यहाँ पे विशाल एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया, जहाँ पे हमारे मुख्य अतिथि रहे यहाँ पे पंडित आनंद मोहन मिश्रा जी। आइए हम उनसे दो शब्द जानने की कोशिश करेंगे, उन्हें कैसा फील महसूस हो रहा है इस समय। हम यहाँ आए एक सबसे मिले, जो अच्छा युवाओं से मिले, छात्रों से मिले, यहाँ के टीचर साहब से मिले, डायरेक्टर साहब से मिले, टीचर से मिले, बड़ा ही अच्छा। आज तक हमने ऐसा प्रोग्राम कभी जीवन में देखा नहीं था। यह पब्लिक स्कूल जो है यह 96 का हम समझते हैं, 96 और 84 दो क्षेत्र यहाँ आए, सबसे बढ़ चढ़ कर बच्चों के लिए कुछ कहेंगे सर? बच्चों के लिए हमारी तरफ से जितने भी हम आज तक पुण्य कमाए हैं, इतनी ऊंचाई तक आज जो पहुंचे हैं, सारा का सारा पुण्य लाभ उन बच्चों को देना चाहते हैं। इसी के साथ हमारे बीच में यहाँ पे यहाँ के प्रधानाचार्य मिस्टर डीएन पाठक जी भी हैं, उनसे भी दो शब्द जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों के लिए तो दिशा देयर कोऑपरेशन एंड देयर एबिलिटी नो डाउट so deep and very praiseworthy. Thank you sir. वीडियो रोको भाई सर। हमारे आप क्या चाहते हैं? स्कूल की डायरेक्टर डॉक्टर निशा द्विवेदी भी है हमारे लोग के बीच में, आज उनसे भी हम दो शब्द जानने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अपने ही स्कूल में यहाँ के पंडित द्वारकानाथ द्विवेदी जी के जो सिस्टम में यहाँ पर जो प्रोग्राम आयोजित किया गया, उसके बारे में दो शब्द हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी मैम, मैं केवल इतना कहना चाहूँगी कि यहाँ जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उसमें हमारा पूरा शिक्षण स्टाफ, सारे टीचर्स, सारे वर्कर्स, सभी ने, हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत की है। कहा जाता था कि गांव में कुछ संभव नहीं है, पर आज हमको ऐसा लगता है कि सच सही मायने में प्रतिभा गांव में ही रहती है, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा और अपने न्यूज चैनल के माध्यम से आप ऐसा देख सकेंगे। और इतना जरूर कहूंगी कि हाँ, गांव में रह करके चीजों को करने में मुश्किलें तो बहुत आती हैं। कुछ लाइन मेरी रह गई थी, मैं वो यहाँ निकाल रही हूँ कि लहरों से डरकर नैया होती, हिम कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैम, चीफ गेस्ट के लिए कुछ आप अपने तरफ से सजेस्ट? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। चीफ गेस्ट जो हमारे हैं वो हमारे आदरणीय हैं, हमारे गुरु हैं, और उनका नाम लेने से पहले मेरी जवान में लड़खड़ाहट सी अपने आप ही आ जाती है। वो यहाँ के संस्था गुरु हैं और उनका नाम लेने से पहले मेरी जवान में लड़खड़ाहट सी अपने आप ही आ जाती है। वो यहाँ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर द्वारिकानाथ द्विवेदी जी के गुरु रहे हैं, और उनके माध्यम से, उनके आशीर्वाद से मुझे ऐसा लगता है कि विद्यालय दिनों दिन फल फूल रहा है। वो यहाँ पर प्रेजेंट रहते हों या नहीं रहते हों, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनका प्यार सदैव हमारे साथ में रहता है। देखा कि अभी मैम ने जो भी बताया बहुत ही अच्छा लगा। वन इंडिया न्यूज़ से संतोष द्विवेदी।